हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसे ऑफ फिनोबार्बिटो। हमने पिछली प्रैक्टिकल्स में स्टडी किया था, प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हैं एसे, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि फिनोबार्बिटो उनका एसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एसे ऑफ फिनोबार्बिटो। तो इसका एम है टू परफॉर्म द एसे ऑफ फिनोबार्बिटोन। एक बार्बिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हमने जो रेफरेंसेस यूज किए हैं वो दो रेफरेंसेस है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 बाय प्रागी अरोरा, वरुण अरोरा, देविंदर कुमार। इस बुक को रेफर किया है जिसमें पेज नंबर 282 और 283, इन दो पेज पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और दूसरा बुक जो रेफर किया है वो है इंडियन फार्माकोपिया वॉल्यूम 3, जो कि 2018 का एडिशन है आईपी का, और उसमें पेज नंबर 2899 और 2900 तक इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो कि मोनोग्राफ है। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट्स है, केमिकल्स में हमें जरूरत होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्डिहाइड फ्री इथेनॉल, बेंजोइक एसिड, थायमोल थायलिन सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, पाइरिडीन और इथर। तो हमें एपरेटस में जरूरत गिरेगी कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, बीकर, पिपेट्स एक्सेट्रा के। दो सेट लगेंगे हमें टाइट्रेशन के। थियरी और प्रिंसिपल जिस पर ये पूरा ऐसे बेस्ड है, एक नॉन एक्वियस टाइप का टाइट्रेशन, ओके, जिसे हम नॉन एक्वियस टाइट्रेशन करते हैं, इसमें कहीं भी वाटर नहीं होना चाहिए। इन दिस मेथड ड्रग को जो है डिजॉल्व किया जाता है। कहीं में डिजॉल्व करेंगे, पिरिडीन में, ड्रग इज डिजॉल्व इन पिरिडीन में डिजॉल्व करेंगे, और टाइट्रेटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसे किसके साथ टाइट्रेट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके। और इसमें जो इंडिकेटर यूज किया गया है वो है थायमोल थैलिन सोल्यूशन, ओके। देखिए यहाँ पर आपका फिनोबार्बिटोन, इसका हम टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके। तो हमें मिलेगा फिनोबार्बिटोन सोडियम, ये एक साल्ट है, ओके। तो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द एसे ऑफ फिनोबार्बिटोन, जिसके ऊपर पूरा प्रिंसिपल सॉरी एक्सपेरिमेंट बेस। नेक्स्ट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन, जिसमें कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्टैंडर्डाइजेशन करना है जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ओके। और उसके बाद जो हम एक्चुअल ऐसे करेंगे फिनोबार्बिटोन का, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी आपको पता है, आपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 में से स्टडी किया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 0.6 ग्राम बेंजोइक एसिड लेना है, ओके। उसको डिजॉल्व करेंगे, 30 ml इथेनॉल और 6 ml वाटर का मिक्सचर बनाएंगे और उसमें डिजोल्व करेंगे। यानी कोनिकल फ्लास्क में आपको लेना है 30 ml इथेनॉल, 6 ml वाटर, उसके अंदर आपको डिजोल्व करना है 0.6 ग्राम बेंजोइक एसिड, ओके। और फिर इसको टाइट्रेट करेंगे इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग 0.2 मोलर थायमोल थैलिन सॉल्यूशन के साथ, ओके। जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया उसके साथ इसको टाइट्रेट करेंगे और उसकी रीडिंग लेकर उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। उसके बाद फिनोबार्बिटोन का ऐसे करने के लिए फिनोबार्बिटोन के 20 टैबलेट लीजिए, उसे पूरी तरह से क्रश कीजिए, उसका पूरा पाउडर बना दीजिए। उसमें से उस पाउडर में से 20 टैबलेट का जो पाउडर बनेगा उसमें से आपको लेना है 0.1 ग्राम ऑफ फिनोबार्बिटोन जितने पाउडर में प्रेजेंट। मतलब अगर आपकी एक टैबलेट में टैबलेट का वेट कीजिए और एक टैबलेट में आपको कितने मिलीग्राम फिनोबार्बिटोन है, ये लेबल क्लेम से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल 100 mg है और टैबलेट का वेट जो है वो 1 ग्राम, फॉर एग्जांपल ना, एक्चुअल आपको जो टैबलेट आप क्रश करने के लिए ले रहे हैं उसी को आप कैलकुलेट कीजिए। एक टैबलेट का वेट 1 ग्राम है, यानी 1000 ग्राम है, और उसमें 100 mg है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, वेट अ क्वांटिटी ऑफ पाउडर कंटेनिंग अबाउट 100 mg ऑफ फिनोबार्बिटोन, यानी उस पाउडर में से आपको 1 ग्राम पाउडर लेना पड़ेगा जिसमें क्या आएगा, 100 mg फिनोबार्बिटोन, ओके।
मतलब 5 ml ऑफ पिरिडिन, फिर इसको जो लिया है उसको आपको डिजोल्व करने करना है 5 ml पिरिडिन में, और उसमें 0.25 ml थायमोल थैलिन सोल्यूशन डालना है, और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 10 ml सिल्वर नाइट्रेट पिरिडिन रिएजेंट। ये सब ऐड करेंगे, अच्छे से स्टर करेंगे, उसके बाद हम उसको टाइट्रेट करेंगे 0.1 मोलार इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी ब्यूरेट में हम लेंगे 0.1 मोलार सोडियम इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोनिकल फ्लास्क में रहेगा, फिनोबार्बिटन का टैबलेट पाउडर, 5 ml पिरिडिन, 0.25 ml थाइमोथैलिन सोल्यूशन और 10 ml सिल्वर नाइट्रेट, ये कोनिकल फ्लास्क में रहेगा, ब्यूरेट में रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम फिर टाइट्रेशन करेंगे, कब तक, अंटिल अ प्योर ब्लू कलर इज ऑब्टेन, तब तक हम टाइट्रेट करेंगे। ओके, फिर इसको रिपीट करेंगे, उसका रीडिंग ले लीजिए, प्योर ब्लू कलर आने के बाद ब्यूरेट रीडिंग लेकर नोट डाउन कीजिए, रिपीटेड द ऑपरेशन विदाउट, यानी फिर और एक बार परफॉर्म कर रहा है, बट उसमें आपको टैबलेट पाउडर नहीं लेना, बाकी सब चीजें लेनी है, सिर्फ टैबलेट पाउडर स्किप करना है, 5 ml पिरिडिन लेना है, 25 ml थायमोथैलिन सॉल्यूशन लेना है, 10 ml सिल्वर नाइट्रेट पिरिडिन रिएजेंट लेना है, फिर उसको टाइट्रेट करें, ब्लू कलर आने, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, जो पहले रीडिंग आई थी विद सैंपल और विदाउट सैंपल, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जो हमें पता बताएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज हुआ है हमें फिनोबार्बिटोन के ऐसे के लिए, फिनोबार्बिटोन द्वारा कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया। दूसरा रिपीट करने का विदाउट सैंपल का जो हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, ये इसलिए कि रिएजेंट भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होते हैं, तो वो कंटेंट हमें निकाल देना, कम करना है, इसलिए हमें रिपीट या ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करना। इसका कैलकुलेशन या स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर है 1 ml ऑफ 1 ml 0.1 मोलर इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बराबर है 0.01161 ग्राम ऑफ योर फिनोबार्बिटोन C12H12N2O3। तो आपका ब्यूरेट रीडिंग यहाँ पर उतने जितने ml होगा उतने ml लिखिए और उस हिसाब से कैलकुलेशन, समझो 10 ml है तो 10 गुणिले 10 × 0.0116, तो क्या आएगा यहाँ पर 0.116 ग्राम। इस तरह से जो भी रीडिंग आएगा यहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना ग्राम है, आपने लिया था 100 मिलीग्राम और यहाँ से आपको कितना मिलीग्राम मिला, तो उसके ऊपर से परसेंटेज कैलकुलेशन भी करेंगे। ओके, तो रिजल्ट लिखेंगे फिर, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ फिनोबार्बिटोन वाज फाउंड टू बी, जितना आया तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, समझो 100 मिलीग्राम लिया है और 99 आया तो 99%, 95 है तो 95%, इस तरह से आपको पता चलेगा। सो यहाँ पर फिर आप उतना लिखेंगे परसेंटेज प्योरिटी कितना आया, और वो एज पर IP पास होता है या नहीं, ये भी यहाँ पर लिखेंगे। दिस इज द ऑल अबाउट द एसे ऑफ फिनोबार्बिटोन, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक वीडियोज एंड कमेंट व्हाट यू नीड इन द वीडियोज, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।